परमिशन दिखाया ना कि परमिशन लगता है, नहीं आप हमको लिखित दिखवा दीजिए परमिशन लगता है। चलिए धन्यवाद सर जी। मैं अजीत स्वागत करता हूँ अपने एक और नए वीडियो में दोस्तों। देखिए दोस्तों, कलकत्ता स्टेशन पे हैं हम अभी। दोस्तों आज की जर्नी होने वाली है 15049, जो कि कोलकाता से चलकर गोरखपुर को ट्रेन जाती है, उसी में हमारी जर्नी होने वाली है। देखिए दोस्तों, अभी हम कलकत्ता स्टेशन में पहुँचे हुए हैं। प्लेटफॉर्म के अंदर में जा रहा है और फाइनली हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका है। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी है, जिसका टाइम है तकरीबन 2:35 पे यहाँ से खुलने का, और कोलकाता स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से खुलेगी। फाइनली हम अपने सीट पे आ चुके हैं, ये 37 सीट है, देख लीजिए दोस्तों, ये मेरा सीट है 37। देखिए दोस्तों, 37 जो सीट है वो मिडिल बर्थ है, जो कि मिडिल बर्थ लिखा हुआ है। और इधर देख लीजिए दोस्तों, अब हम धीरे धीरे बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये जो है 3rd एसी का कंपार्टमेंट है। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, कर्टन लगा हुआ है दोनों साइड में, जो कि ये 2nd एसी का कंपार्टमेंट है। 2 सीट है, देख लीजिए दोस्तों, ये 2nd एसी का कंपार्टमेंट है। 3rd एसी में 3 सीटें रहती हैं और 2nd एसी में 2 सीटें हैं। अब हम लोग धीरे से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 2nd कम 1st एसी, ये 2nd एसी का है, ये दूसरा वाला 2nd एसी, जो कि 2nd और 1st एसी दोनों एक ही कंपार्टमेंट में है, ये उसका 2nd एसी का है। अब देख लीजिए आगे हम बढ़ रहे हैं। ये देखिए गेट लगा हुआ है और साइड में देखिए दरवाज़ा दिया गया है, ये है 1st एसी का कंपार्टमेंट। अब हम लोग यहाँ से अब बाहर निकल गए। ये देखिए फाइनली हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुके हैं और ये हमारी ये ट्रेन लगी हुई है, इसका ट्रेन नंबर है 15049, जो कि कोलकाता से चल कर गोरखपुर को जाएगी। देख लीजिए दोस्तों, ये है HA1 कोच, जो कि कोलकाता से चल कर गोरखपुर जाएगी। और हमारी जर्नी होने वाली है कोलकाता से लेकर रसड़ा तक की, जो कि कलकत्ता से खुलने का टाइम है इसका लगभग 2:35 पे, और ये रसड़ा अगले दिन मतलब सुबह ही तड़के सुबह में ये लगभग 4:30 के करीब ये रसड़ा पहुंचा देगी। और गोरखपुर की बात करें तो लगभग ये तकरीबन सुबह ये 9:10 पर ये गोरखपुर पहुंचा देगी दोस्तों। ये जो हमारी वाली ट्रेन है यह भाया मऊ होके जाएगी, जो कि इसका रूट है आपका कलकत्ता, नैहट्टी, बैंडेल, बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चितरंजन, मधुपुर, जसीडी, झाझा के बाद है बरौनी, जो कि ये क्यूल जंक्शन पे ये नहीं रुकती है, लखीसराय जंक्शन में नहीं रुकती है, उसके बाद रामपुर, डुमरा, हाथीदा, ऊपर से ये बरौनी निकल जाएगी। बरौनी के बाद सीधा ये जो है ये छपरा के बाद ये आपका बलिया के बाद ये रसड़ा, और रसड़ा होते हुए ये भटनी होते हुए ये निकल जाएगी अपने गोरखपुर की तरफ। नंबर 4 पे ये देख लीजिए दोस्तों, ट्रेन खड़ी है। इसके रैक के बारे में बता दूं तो इसका रैक शेयरिंग होता है गोरखपुर मलानी, जो कि लखनऊ के आगे पड़ता है। दूसरा जो इसका रैक शेयरिंग होता है वह गोरखपुर, जो कि कोलकाता से गोरखपुर चलती है भाया सिवान होके। और जो तीसरी वाली है जो जिसका रैक शेयरिंग होता है वह कि जो कि हम जिसमें अभी बैठ रहे हैं वही गोरखपुर, जो कि मऊ होके जाएगी। दोस्तों इसके किराए के बारे में बात की जाए तो इसका जनरल टिकट का किराया है लगभग 250 रुपये, स्लीपर का इसका किराया है लगभग 445 रुपये, और 3rd एसी का इसका किराया है लगभग 1205 रुपये, एसी का किराया है 1725 रुपये, और 1st एसी का किराया है 2905 रुपये। दोस्तों ये जो मैंने किराया बताया है वो तत्काल में लागू नहीं होता, प्रीमियम तत्काल में लागू नहीं होता है, यह किराया सिर्फ नॉर्मल टिकट में लागू होता है। और जो ये मैंने किराया बताया है वह इन टू इन जर्नी का है दोस्तों, कोलकाता से गोरखपुर तक का यह किराया है।
जहाँ तक यात्रा कर रहा हूँ रसड़ा तक, उसका मैं आपको एक बार किराया शेयर करता हूँ। जनरल टिकट का किराया है 215 रुपये, स्लीपर का किराया है लगभग 385 रुपये दोस्तों, थर्ड एसी का किराया लगभग 1040 रुपये, सेकेंड एसी का किराया लगभग 1485 रुपये और फर्स्ट एसी का किराया है लगभग लगभग 2485 रुपये। देख लीजिए दोस्तों, ये है जनरल डब्बा और मैं अभी आपको इंजन की तरफ ले जा रहा हूँ। देखिए हमारे किस इंजन के साथ हमारी ये यात्रा होने वाली है कोलकाता से रसड़ा तक की, या तो ट्रेन गोरखपुर तक जाएगी, लेकिन हमारी जो यात्रा है वो रहने वाली है कोलकाता से रसड़ा तक। देखिए दोस्तों, ये पीछे गोरखपुर मैलानी लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, इस पर लिखा हुआ है गोरखपुर कलकत्ता गोरखपुर मैलानी। देखिए W87 लोकोमोटिव खड़ा हुआ है मेरे सामने, और ये देखिए कि हम लोग सबसे आगे में हैं, और ये देखिए हमारी एक टीम खड़ी है नंबर 4। अब परमिशन दिखाइए ना कि परमिशन लगता है, नहीं आप हमको लिखित दिखवा दीजिए परमिशन लगता है। चलिए दोस्तों, बाहर वीडियो बनाने नहीं दिया जा रहा, बोल रहा है कि यह इंटरनेशनल स्टेशन है कोलकाता स्टेशन पे, पता नहीं पटना में भी आए तो ये प्रॉब्लम दिख रहा था, और अब यहाँ पे भी आए तो ये प्रॉब्लम दिख रहा है। बोला कि हम 2-4 जन से पूछे तो बोला कि आप इंजन का वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वीडियो बनाने नहीं दे रहा है। अब इसका क्या है क्या नहीं है उसके बारे में आपको बता नहीं पाएंगे, और हमारी ट्रेन का टाइम है लगभग 2:35 पर, और यह ट्रेन हमारी वाली जो ट्रेन है वह जो कि कोलकाता से चल कर गोरखपुर को है, और यह भाया बलिया मऊ भटनी होते हुए या गोरखपुर निकल जाएगी। बाकी तो रूट सेम है, छपरा तक सेम है, लेकिन छपरा के बाद यह कट के बलिया की तरफ चले जाती है। इसके कोच और कॉम्पोजिशन के बारे में बात किया जाए तो यह LHB कोच के साथ रन करती है, और इसका कोच और कॉम्पोजिशन है इंजन की तरफ से 2 जनरल डब्बे, एक जो कि गुड्स वैन है, उसके बाद 2 जनरल डब्बे, 4 स्लीपर के डब्बे, 10 थर्ड AC के डब्बे हैं जिसमें दोस्तों, उसके बाद है 2 सेकेंड AC के डब्बे हैं, और एक जो है वो फर्स्ट और सेकेंड AC का कॉम्बाइन है, और एक पीछे गुड्स जो कि गुड्स कंपार्टमेंट है, ये है। टोटल इसमें कुल मिलाकर 21 डब्बे हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारी वाली ट्रेन है पूर्वांचल एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 15049, यह सप्ताह में 2 दिन चलती है, रविवार और बुधवार, यह 2 दिन चलती है, जो कि वाया बलिया होके जाती है। अगर देखिए दोस्तों, मेरे सामने खड़ी है 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर तेभागा एक्सप्रेस, जो कि कोलकाता से बालूरघाट को जाती है, और हमारी ट्रेन धीरे धीरे कोलकाता स्टेशन को छोड़ती है। देखिए कोलकाता स्टेशन दिख रहा है, कोलकाता स्टेशन के बारे में आपको बता तो चलूँ कि यहाँ पर कुल मिला के 5 प्लेटफॉर्म है, यहाँ से 36 ट्रेनें ओरिजिनेट और 36 ट्रेनें टर्मिनेट होती है। राइट टाइम हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है कोलकाता स्टेशन से, 2:35 पे, और यह लगभग 4:25 पे हमको यह रसड़ा उतारेगी सुबह। देख लीजिए दोस्तों, कोलकाता स्टेशन से हमारी यह ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। इसके रेट शेयरिंग के बारे में आपको बता दूं तो इसका रेट शेयरिंग होता है, क्योंकि कोलकाता से जो गोरखपुर जाती है वाया सिवान होते उसके साथ होता है, और जो कोलकाता से जो गोरखपुर जाती है वाया नरकटियागंज होके उसके साथ इसका रेट शेयरिंग होता है, और जो हमारी वाली ट्रेन है वाया बलिया मऊ रसड़ा भटनी होते हुए या गोरखपुर को निकल जाएगी दोस्तों, यह सप्ताह में 2 दिन चलती है, रविवार और बुधवार के दिन। इसका ट्रेन नंबर है 15049, जो कि कोलकाता से लगभग दोपहर में 2:35 पर चलती है, और यह गोरखपुर लगभग लगभग 9:10 पर पहुँचा देती है, यह ट्रेन देती है। और अपने रसड़े के बारे में बात की जाए तो यह रसड़ा लगभग लगभग भोर में या सुबह में लगभग 4:25 पर यह रसड़ा पहुंचा देगा, और बलिया में लगभग इसका टाइम है 3:55 पर सुबह में, और हमारी ये ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। देख लीजिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमारी ये ट्रेन पातीपुकुर स्टेशन को स्किप करती हुई, देखिए दोस्तों हमारी ये ट्रेन तेज़ रफ्तार में दमदम जंक्शन को स्किप करती हुई, दमदम जंक्शन जो कि यहाँ से बोनगा और दानकुनी के लिए लाइन अलग हो जाती है।
देखिए सोनपुर स्टेशन को रफ्तार में स्किप करती है 15049। देख लीजिए दोस्तों तेजी रफ्तार से सोनपुर स्टेशन को स्किप करती हुई। देख लीजिए दोस्तों बैरकपुर को स्किप करती हुई 15049। देख लीजिए दोस्तों बैरकपुर स्टेशन को स्किप करती हुई तेज रफ्तार में। दोस्तों बैरकपुर स्टेशन के बगल में ये दादा बोधी बिरयानी, आप उसको जरूर टेस्ट करिएगा। देखिए दोस्तों हमारे सामने खड़ी है गेदे लोकल जो कि सियालदा से चलकर गेदे को जाती है। दोस्तों इसका जो रूट है सियालदा सोनपुर बैरकपुर, बैरकपुर के बाद नईहट्टी, नईहट्टी के बाद राणा घाट होते हुए यह गेदे को निकल जाएगी। दोस्तों देख लीजिए दोस्तों गेदे लोकल खड़ी है और हमारी ये ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। दोस्तों जो गेदे स्टेशन है वो बांग्लादेश के बॉर्डर में है क्योंकि गेदे के बाद दर्शना, दर्शना के बाद बांग्लादेश चालू हो जाता है और हमारी ये ट्रेन गेदे लोकल को स्किप करती हुई। देख लीजिए दोस्तों गेदे लोकल खड़ी है नईहट्टी के आउटसाइड में और हमारी ये ट्रेन धीरे धीरे नईहट्टी जंक्शन में इंटर करती हुई। दोस्तों फाइनली हम लोग इस ट्रेन के पहले हॉल्ट यानी नईहट्टी में पहुंच चुके हैं, नईहट्टी जंक्शन में पहुंच चुके हैं। देख लीजिए दोस्तों नईहट्टी जंक्शन के बारे में आपको बताता चलूँ तो यह पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के अंडर में आता है और नईहट्टी जंक्शन सियालदा डिवीज़न के इस जोन के अंडर में आता है और हमारी ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे दी हुई है और इस ट्रेन का ठहराव यहाँ पे लगभग लगभग 2 मिनट का है। इसका पहुँचने का टाइम था यहाँ पे लगभग लगभग 3:23 का और यह 1 मिनट बिफोर 3:22 का पहुँचा दिया और देखिए हमारे पीछे से निकल रही है गेदे लोकल जिसको जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर तक जाती है, और नईहट्टी जंक्शन के बाद में आपको बताता चलूँगा यहाँ पे कुल मिलाकर 77 ट्रेनों का हॉल्ट है और यहाँ से प्रतिदिन सियालदा के लिए चलती है और यहाँ पे बहुत सारी लोकल गेदे लोकल राणा घाट लोकल आदि लोकल यहाँ से चलती है। जंक्शन के बारे में आपको बताता चलूँ तो नईहट्टी को जंक्शन इसीलिए बोला जाता है जो कि एक लाइन जो है वह कल्याणी राणा घाट और गेदे के लिए निकल जाएगी, दूसरी लाइन जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं वह घुगनी घाट घाट होते हुए बैंडर को निकल जाएगी। जैसे ही दोस्तों हमारी ये ट्रेन नईहट्टी जंक्शन से आगे निकली और हुगली घाट की तरफ बढ़ रही है वैसे ही हमको मदार एक्सप्रेस रास्ते में दिख गई जिसका ट्रेन नंबर है 19608 जो कि मदार जंक्शन अजमेर से कोलकाता को जाती है जो कि मदार में इसका खुलने का टाइम है रात को 11:10 पे और यह सोमवार को इस सप्ताह में एक दिन चलती है और यह कोलकाता 4:40 पर शाम को यह पहुंचाएगी कलकत्ता स्टेशन में। इसमें कुल मिलाकर 3 दिन लगते हैं और हमारी ये ट्रेन मदार एक्सप्रेस को क्रॉस करती हुई।
अपने दूसरे हॉल्ट जो कि बैंडल जंक्शन है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। बैंडल जंक्शन जो कि बैंडल जंक्शन को जंक्शन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से जो हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वहाँ से एक लाइन बर्धमान को निकल जाती है और दूसरी लाइन काटवा को निकल जाती है और पीछे की तरफ से जो है एक लाइन हावड़ा को निकल जाती है और दूसरी लाइन जो है नैहट्टी बैरकपुर होते हुए सियालदह को निकल जाती है। इसीलिए बैंडल को जंक्शन बोलते हैं। बैंडल जंक्शन में दोस्तों लगभग 110 ट्रेनों का ठहराव है और यहाँ से प्रतिदिन बर्धमान लोकल, काटवा लोकल, बैंडल लोकल यहाँ से छूटती भी है। देखिए दोस्तों और भी लोकल का ठहराव और बैंडल लोकल पर डे बेसिस पे यहाँ से छूटती रहती है। देख लीजिए दोस्तों मेरा जो कोच है पीछे की तरफ दिया गया है D1 जो कि कोच है और बैंडल जंक्शन पे ये ट्रेन हमारी 3:49 लगभग 1 मिनट बिफोर पहुँचाई है और यहाँ पे इसका 2 मिनट का टाइम है। 2 मिनट के टाइम के बाद यह 3:52 पर यहाँ से रवाना हो जाएगी। बैंडल जंक्शन जो कि हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है, वेस्ट बंगाल राज्य के हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है और ये जो बैंडल जंक्शन है वो हावड़ा डिवीज़न के अंडर में आता है। देख लीजिए दोस्तों और इस ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, अब हम लोग ट्रेन के भीतर चलते हैं। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ गई है, बैंडल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और अब 3:52 हो गया और इसका टाइम भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ, अब इसका टाइम हो गया है छूटने का। धन्यवाद धन्यवाद सर जी। इतना लेट कैसे हो गया? पहली बार हुआ ऐसा है। क्या हुआ? इतना लेट कैसे हो गया? पर वो ट्रेन लेट। तो प्रसंग के तरफ आगे ब्लैक ना कल ऊपर ट्रेन बर्धमान जंक्शन को आ चुकी है। तकरीबन 4:55 पे 2 मिनट बिफोर हमारी ये ट्रेन बर्धमान जंक्शन को आ चुकी है। दोस्तों बर्धमान जंक्शन के बारे में आपको बताता चलूँ तो बर्धमान जंक्शन हावड़ा डिवीज़न के अंडर में, पूरी बर्धमान जिले के अंडर में आता है दोस्तों। क्योंकि ये तो बर्धमान जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी ट्रेन का अराइवल 2 मिनट पहले हो चुका है और यहाँ से 59 पे यह डिपार्ट कर जाएगी। वर्धमान जंक्शन में तकरीबन लगभग 180 ट्रेनों का हॉल्ट है और यहाँ से 18 ट्रेन ओरिजिनेट और 18 ट्रेन टर्मिनेट होती है। वर्धमान जंक्शन के दोस्तों बारे में आपको बताता चलूँ तो यहाँ का जो फेमस फूड है उसको खाने के लिए बोलते हैं सीताभोग, आप जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक फेमस टेम्पल है जो कि 108 जो त्रिलिंग है जो कि कुल मिला के 108 शिवलिंग है वहाँ पे, तो बर्धमान इसके लिए भी फेमस है। यहाँ पे कुल मिला के 7 प्लेटफॉर्म है बर्धमान जंक्शन में। बर्धमान जंक्शन को जंक्शन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से काटवा के लिए अलग लाइन मिल जाती है, इसीलिए बर्धमान को जंक्शन कहते हैं। और हमारी वाली जो ट्रेन है वो देखिए दोस्तों हमारी वाली जो ट्रेन है वो आसनसोल के रास्ते झाझा क्यूल होते हुए आगे की तरफ निकल जाएगी दोस्तों, बरौनी और गोरखपुर के तरफ निकल जाएगी। और जो मेरे पीछे के तरफ है बर्धमान गंगपुर शक्तिगढ़ के साइड में वह बर्धमान मेन और बर्धमान कोर्ट जो अलग अलग वहां से लाइनें हो जाती है दोस्तों, इसीलिए देखिए बर्धमान को जंक्शन बोलते हैं।
फाइनली अभी हम लोग अपने तीसरे हॉल्ट बर्दवान जंक्शन पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी यह ट्रेन आ चुकी है और फाइनली यहाँ से डिपार्ट भी कर चुके हैं 110 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद। पहुंचने के बाद तकरीबन 2 मिनट के ठहराव के बाद यहां से डिपार्ट कर चुकी है। दुर्गापुर के बारे में आपको बताता चलूँ कि यह एक स्टील सिटी है, इसको स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। के बाद 15049 जो कि कोलकाता से चलकर गोरखपुर को जाएगी पूर्वांचल एक्सप्रेस, वो आसनसोल के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ गई है। दोस्तों आसनसोल जिसका कोड है AS है। आसनसोल जंक्शन के बारे में आपको बताता चलूँ तो यहाँ से पुलिया आगरा के लिए लाइन अलग हो जाती है, इसलिए आसनसोल को जंक्शन बोलते हैं। और आसनसोल में हमारी ये ट्रेन का अराइवल लगभग आधे घंटे डिले के साथ हुआ है। आसनसोल में टाइमिंग था लगभग लगभग 6:12, अभी पहले 6:42। तो इसके चलते आसनसोल जंक्शन में इस ट्रेन का अराइवल 30 मिनट डिले के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हुआ है। आसनसोल जंक्शन के बारे में आपको बताते चलो तो यहाँ पे कुल मिलाकर 189 ट्रेनों का हॉल्ट है और यहाँ से तकरीबन लगभग लगभग 44 ट्रेन ओरिजिनेट और 44 ट्रेन टर्मिनेट होती है। सोल जंक्शन जो कि पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान ज़िले में आता है और आसनसोल जंक्शन जो कि ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल डिवीज़न में आता है। दोस्तों यह आसनसोल जंक्शन एक डिवीज़न भी है, इसीलिए आसनसोल में हमारी यह ट्रेन का ठहराव लगभग लगभग 10 मिनट का है। दोस्तों आसनसोल जंक्शन में हमारी यह ट्रेन खड़ी है। दोस्तों आसनसोल जंक्शन के बाद इसका स्टॉपेज चितरंजन, चितरंजन के बाद मधुपुर, मधुपुर के बाद झसीडी जो भोले बाबा की नगरी है, देवघर वासुकीनाथ की नगरी है, उसको भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद 9:05 पर यह ट्रेन झाझा पहुंचेगी, उसके बाद बरौनी के बाद ये ट्रेन कुछ छोटे मोटे स्टेशनों पर रुकने के बाद हाजीपुर, छपरा, बलिया के बाद ये रसड़ा, भटनी, इसके साथ ही उसके बाद यह गोरखपुर के लिए निकल जाएगी। दोस्तों रूट थोड़ा लंबा है लेकिन क्या किया जाएगा, इसको सफ़र किया ही जाए और हमारी यह ट्रेन का ठहराव यहाँ पे 10 मिनट का है। तो फाइनली 241 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ये ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 15049 वो चितरंजन में पहुंच चुकी है, झारखंड का पहला स्टेशन। अभी हम लोग वेस्ट बंगाल को छोड़ के झारखंड में प्रवेश कर चुके हैं। चितरंजन जो है वह जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है और यह आसनसोल डिवीज़न के ईस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है।
में लगभग लगभग 109 ट्रेनों का हॉल्ट है और यहाँ से कोई ट्रेन ओरिजिनेट और कोई ट्रेन टर्मिनेट नहीं होती है और यहाँ 2 मिनट का ट्रेन का ठहराव है। ऊपर की तरफ जा रहे हैं AM7 ब्लॉग AM7 ब्लॉग वीडियो बनाया है। को छोड़ चुकी है और इसके बाद इसका अगला स्टॉपेज मधुपुर है जो कि लगभग लगभग 298 किलोमीटर दूर है। देख लीजिए दोस्तों, अब हम लोग झारखंड में प्रवेश कर चुके हैं। डिवीज़न तो वही है, आसनसोल और जोन भी वही है, लेकिन अपना राज्य चेंज हो चुका है जो कि वेस्ट बंगाल से हम अपनी यात्रा का प्रारंभ किए थे। उस वेस्ट बंगाल में निहट्टी, बैंडेल, बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, ये वेस्ट बंगाल में पड़ा और उसके बाद अब हम लोग पहला स्टॉप है जो झारखंड का जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट का चितरंजन जो कि रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे लोको शेड है चितरंजन का, वो भी बहुत ही बड़ा लोको शेड है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग चितरंजन को छोड़ चुके हैं, अब हम लोग आपको मिलते हैं मधुपुर में। फाइनली 40 मिनट के डिले के बाद अब हम लोग मधुपुर जंक्शन पहुंच चुके हैं। मधुपुर जंक्शन को जंक्शन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से गिरिडीह के लिए लाइन अलग हो जाती है, इसीलिए मधुपुर को जंक्शन बोला जाता है। ये हम लोग का 7वां हॉल्ट था जहाँ से हम लोग चढ़े थे, निहट्टी, बैंडेल, बर्धमान के बाद दुर्गापुर, आसनसोल के बाद चितरंजन के बाद अब ये मधुपुर। और ये झारखंड का दूसरा स्टॉपेज है जो कि पहला स्टॉपेज चितरंजन था जो कि जामताड़ा ज़िले में था और दूसरा स्टॉपेज मधुपुर जो कि देवघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मधुपुर जंक्शन जो कि आसनसोल डिवीज़न के ईस्टर्न जोन में आता है। देख लीजिए दोस्तों, मधुपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और हमारी ट्रेन लगभग लगभग 40 मिनट विलम्ब के साथ चल रही है। देखिए दोस्तों, मेरी देखिए दोस्तों, हमारे फैमिली के मेंबर मिले हैं। आपका क्या नाम है सर? संजय भगत जी, थैंक यू सर। और अब हमारी ट्रेन का टाइम हो गया है क्योंकि यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का ठहराव है, इसके बाद इस ट्रेन का डिपार्चर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अंदर में। चलूँ तो यहाँ पर कुल मिलाकर 133 ट्रेनों का हॉल्ट है और यहाँ से 9 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। मधुपुर जंक्शन में इस ट्रेन का टाइम था 7:26 पे और अभी लगभग 10 मिनट हुए हैं, लेकिन अभी तक ये ट्रेन छूटी नहीं है। और मधुपुर जंक्शन में 3 मिनट का ठहराव है, 8:26 पे यहाँ इसका अराइवल था और 8:29 पे इसका डिपार्चर है। और अभी 8:12 हुए हैं और अभी तक ट्रेन यहाँ से डिपार्ट नहीं की है, तो लगभग 42 मिनट को होने जा रहे हैं। ट्रेन अभी खुली नहीं है यहाँ से और देखते हैं कि हमारे स्टेशन पहुँचने तक अभी कितना टाइम लगता है। और ट्रेन तो मेकअप करेगी, अब देखते हैं कितना मेकअप करती है, कितना डिले होती है।
दोस्तों फाइनली हम लोग जसीडी जंक्शन में आ चुके हैं। जय बैद्यनाथ धाम। जसीडी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी ये ट्रेन का अराइवल हुआ है। लगभग 50 मिनट डिले के साथ ये ट्रेन चल रही है। टाइम था जसीडी जंक्शन में लगभग 8:07 पे और अभी 8:57 हो रहा है और ये ट्रेन जसीडी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है। 50 मिनट डिले चल रहा है। देखे रात में कितना रिकवर करती है, कितना नहीं देखा जाएगा। जसीडी जंक्शन के बारे में आपको बताता चलूं तो यहाँ से देवगढ़ के लिए लाइन अलग हो जाती है, देवगढ़ दुमका के लिए लाइन अलग हो जाती है, इसीलिए जसीडी को जंक्शन बोलते हैं। जसीडी जंक्शन से आप एक नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर की तरफ निकलिएगा तो वहाँ से बहुत सारे ऑटो मिलेंगे और तकरीबन आधे घंटे का समय लगेगा और वहाँ से बैद्यनाथ धाम के लिए चले जाइएगा। देख लीजिए दोस्तों जसीडी जंक्शन को। जंक्शन के बारे में आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे कुल लगभग 140 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ से 24 ट्रेनें ओरिजिनेट और 24 ट्रेनें टर्मिनेट होती है। जसीडी जंक्शन जो कि आसनसोल डिवीज़न के अंडर में आता है और ये जो जसीडी जंक्शन है वो झारखंड राज्य का जो तीसरा स्टेशन है, जो कि हमारी ये ट्रेन 15049 जिसका स्टॉपेज है पहला चितरंजन, दूसरा मधुपुर और तीसरा जसीडी, और कुल मिला के ये 8वां स्टॉपेज है जहाँ की मेरी जसीडी स्टेशन पर ये ट्रेन रुकी हुई है। इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज नईहट्टी, दूसरा स्टॉपेज बैंडेल, तीसरा स्टॉपेज जो कि था बर्धमान, चौथा स्टॉपेज जो कि था दुर्गापुर, पांचवा स्टॉपेज आसनसोल, छठा स्टॉपेज चितरंजन, सातवां स्टॉपेज मधुपुर और 8वां स्टॉपेज अब जसीडी जंक्शन। और यहां पे 50 मिनट डिले के साथ ये जो भी एक्सप्रेस गाड़ी को पीछे आप प्लेटफॉर्म संख्या 1 कर रहे हैं वो ट्रेन नंबर 15234 चेक कर रहे हैं तो कृपया अपनी मदद से आगे बढ़ते रहे। बिहार राज्य में एंट्री कर चुके हैं। झाझा जो कि बिहार राज्य का अपना पहला स्टेशन है, देख लीजिए दोस्तों झाझा। झाझा में हमारी ट्रेन का टाइमिंग था 9:05 पे और अभी टाइम हो रहा है 9:50 पे, जो कि लगभग 45 मिनट डिले के साथ हमारी ये ट्रेन झाझा स्टेशन पे पहुंच चुकी है। हमें लगभग 133 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ से 4 ट्रेन ओरिजिनेट और 4 ट्रेन टर्मिनेट भी होती है। झाझा जो कि दानापुर डिवीज़न के अंडर में आता है और यह ईस्ट सेंट्रल जोन हो गया और अभी हम थोड़े देर पहले इस जोन में चल रहे थे, अब ये ईस्ट सेंट्रल जोन में आ गया है। कुल मिला के इस ट्रेन का यह 9वां हॉल्ट है और यह बिहार राज्य का पहला स्टेशन है। कुल मिला के हमारी ये जो ट्रेन है 371 किलोमीटर की दूरी तय कर दी है और 9 स्टॉपेज के साथ में और बिहार राज्य का पहला स्टेशन है झाझा, जो कि अभी 9:54 हो रहे हैं और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का ठहराव है। 7 मिनट का ठहराव के बाद हमारी ट्रेन झाझा को डिपार्ट कर चुकी है। देख लीजिए इसका डिपार्ट दोस्तों। फाइनली हमारी ट्रेन हाजीपुर जंक्शन को आ चुकी है। इसका टाइम था 1:05 पे लेकिन 1:45 हो रहा है तो लगभग अभी 40 मिनट डिले के साथ चल रहा है। देखते हैं छपरा पहुंचते कुछ टाइम एक्सटेंशन दिया गया है तो छपरा चलते मेकअप तो कर ही लेगा, क्योंकि तो छपरा जाने में इतना ज़्यादा टाइम दे दिया है कि इसका मेकअप करना तो ज़रूरी है। दो स्टेशनों के बीच का गैप इतना लंबा दे दिया गया है कि छपरा जाते जाते इसका टाइम कम हो ही जाएगा। 5 मिनट के ठहराव के बाद हमारी ये ट्रेन 1:50 पे हाजीपुर जंक्शन पर डिपार्ट कर चुकी है। हाजीपुर जंक्शन के बारे में आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे कुल मिलाकर 188 ट्रेनों का हॉल्ट है और यहाँ से कोई ट्रेन ओरिजिनेट और कोई ट्रेन टर्मिनेट भी नहीं होती है। हाजीपुर जो रेलवे स्टेशन है वह हाजीपुर जिले के अंडर में आता है और यह बिहार का एक ज़िला है।
जो कि सोनपुर डिवीज़न के इस सेंट्रल जोन के अंदर में आता है। दोस्तों हाजीपुर जंक्शन से हमारी ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्ट कर चुकी है। हाजीपुर को हाजीपुर जंक्शन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से भगवानपुर होते हुए यह लाइन मुजफ्फरपुर जंक्शन को चली जाएगी, इसीलिए हाजीपुर को जंक्शन बोलते हैं। फाइनली 610 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ये ट्रेन छपरा जंक्शन पर पहुंच चुकी है। छपरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे यह हम लोग का 15वां हॉल्ट था। लगा कि ऐसा कि ट्रेन 50 मिनट 1 घंटे डिले के साथ चल रही थी, लेकिन छपरा में इसने मेकअप किया और अभी तकरीबन लगभग 25 मिनट के डिले के साथ ये चल रही है। छपरा जंक्शन में इस ट्रेन का टाइमिंग था लगभग 2:45 पे, लेकिन ये जो हमारी वाली जो ट्रेन है वह 3:10 पे छपरा जंक्शन में उतार दिए। दोस्तों छपरा जंक्शन जो कि जंक्शन इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से सिवान के लिए लाइन अलग हो जाती है, इसीलिए छपरा को जंक्शन बोलते हैं। छपरा जंक्शन जो कि बिहार राज्य के छपरा जिले के अंडर में आता है, यह नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का पार्ट है। देख लीजिए दोस्तों छपरा जंक्शन, यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का ठहराव है। 10 मिनट के ठहराव का मतलब है यानी 3:10 से 3:20 तक यह ट्रेन यहाँ से यहाँ पे रुकेगी और 3:20 पे यहाँ से डिपार्ट कर जाएगी। फाइनली आधे घंटे के ठहराव के बाद हमारी ये ट्रेन छपरा जंक्शन से डिपार्ट कर चुकी है। दोस्तों आधा घंटा पता नहीं किस रीज़न से ये खड़ी थी, समझ में नहीं आया इसका रीज़न। देखिए छपरा जंक्शन पर हमारी ये ट्रेन 15049 डिपार्ट कर चुकी है। दोस्तों लगभग 677 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ये ट्रेन बलिया पहुंच गई है, जो कि यूपी का पहला स्टेशन है। छपरा जो कि बिहार का लास्ट स्टेशन था और बलिया जो कि यूपी का पहला स्टेशन है। और हमारी ये ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पे 5 मिनट का है और ये इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट है बलिया। इसके बाद मेरा लास्ट स्टॉपेज रसड़ा होगा। बलिया में इसका टाइम लगभग 3:55 पे था, लेकिन यह ट्रेन लगभग 1 घंटे डिले के साथ 4:55 पे ये बलिया में पहुंचाई है। दोस्तों बलिया के बारे में बात किया जाए तो यह यूपी का डिस्ट्रिक्ट आता है, यह यूपी का डिस्ट्रिक्ट भी है बलिया। और यहाँ पे बलिया के बारे में बात किया जाए तो यह बॉर्डर भी है बिहार का, जो कि यहाँ से आप भरौली छपरा बक्सर आदि बहुत जगह के लिए जा भी सकते हैं। बलिया जो है यहाँ से आप गाजीपुर के लिए भी जा सकते हैं, गाजीपुर भी नज़दीक है। जो रेलवे स्टेशन है वो वाराणसी डिवीज़न के अंडर में आता है।
बलिया स्टेशन में कुल मिला के 70 ट्रेनों का हॉल्ट है और यहाँ से 60 ट्रेन ओरिजिनेट और 60 ट्रेन टर्मिनेट भी होती है। पहले 5 मिनट के ठहराव के बाद हमारी ये ट्रेन बलिया से डिपार्ट कर चुकी है। देख लीजिए दोस्तों, हमारी ये ट्रेन फेफना जंक्शन को स्किप करती हुई, फेफना जंक्शन एक महत्वपूर्ण जंक्शन है क्योंकि यहाँ से गाजीपुर सिटी के लिए लाइन अलग हो जाती है, इसलिए फेफना को जंक्शन बोलते हैं। तकरीबन 709 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन रसड़ा स्टेशन में पहुंच चुके हैं। रसड़ा स्टेशन जो कि बलिया जिले के वाराणसी डिवीज़न के अंडर में आता है, या उत्तर प्रदेश का एक भाग है। देख लीजिए दोस्तों रसड़ा, जिसमें हमारी ये ट्रेन लगभग 1 घंटे 2 मिनट के डिले के साथ रसड़ा स्टेशन पहुँचा दी है। 4:25 पर इसका टाइमिंग था और यह जो ट्रेन है 5:27 पर यह ट्रेन पहुंची है, इसीलिए लगभग 1 घंटे 2 मिनट के डिले के साथ यह रसड़ा स्टेशन में पहुंच गई है। रसड़ा स्टेशन के बारे में आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर कुल मिलाकर 2 प्लेटफॉर्म है और हमारी वाली जो ट्रेन है वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर दी हुई है और यहाँ पर कुल मिला कर 20 ट्रेनों का हॉल्ट है रसड़ा स्टेशन में। पूर्वांचल एक्सप्रेस का 2 मिनट का हॉल्ट है, क्योंकि मैंने जो अपनी यात्रा का प्रारंभ किया था कोलकाता स्टेशन से और अपने 17वें हॉल्ट रसड़ा में आके पहुंच गए हैं। कोलकाता स्टेशन से यात्रा का प्रारंभ और लगभग और हमारी ये ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है रसड़ा स्टेशन से। देख लीजिए दोस्तों इसका डिपार्चर। तो फाइनली दोस्तों मैं अपनी यात्रा का समापन यहीं पर करता हूं। अगर यह एफर्ट आपको अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल AM7 ब्लॉग को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।